पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। आलू की इस फसल और किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार आलू की उपज काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस बार हमने आलू की खेती एक नई विधि जीरो टिलेज से की है और शुरुआत से ही इसकी फसल अच्छी दिख रही है। अब समय आ गया है जब हम अपने खेत से आलू को निकालें। आलू के फसल की पत्तियां जब पीली पड़ने लगे, पौधे में झुर्री पड़ने लगे या पौधा सूखने लगे, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब आलू निकालने के लिए तैयार है। आपने अक्सर देखा होगा आलू की कोड़ाई के दौरान आलू का काफी नुकसान होता है। नुकसान से हमारा मतलब आलू के कटने से है। सामान्यतः आलू जमीन के अंदर होता है, इसलिए उसे निकालने के लिए हम फावड़े, कुदाल या खुरपी का प्रयोग करते हैं, जिससे निकलते समय बहुत से आलू कट जाते हैं और ऐसे कटे हुए आलू का कोई खरीदार भी नहीं होता। आप ज्यादा दिन तक इन कटे हुए आलू को रख भी नहीं सकते। इसका मतलब साफ है कि इस कटे हुए आलू से जीरो टिलेज से खेती करने के अनेकों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि इसमें आलू निकालते समय आलू के कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें आलू जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन पर ही होता है और इसे निकालने के लिए किसी फावड़े, कुदाल या खुरपी की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप अपने हाथों से इसके पौधों को निकालें, इसके बाद वहां पड़े पुआल को हटा लें और फिर जमीन के ऊपर पड़े हुए आलू को चुन लीजिए। आलू चुनने के बाद इसे किसी टोकरी या जूट के बोरे में रखें। आप देखेंगे कि जीरो टिलेज से उपजे आलू परंपरागत तरीके से उपजाए गए आलू की तुलना में काफी साफ दिखेगा। इस तरह बड़े ही आसानी से आप आलू को अपने खेत से निकाल सकते हैं। आलू को निकालने के बाद इस खेत से निकाले गए सड़े हुए पुआल को उसी खेत में वापस डाल दें और खेत की जुताई कर दें, जिससे वो उस मिट्टी में मिलकर उसकी उपजाऊ शक्ति को और बढ़ा दे। जीरो टिलेज से खेती करने से जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें खेत की जुताई नहीं की जाती है। इससे मिट्टी में पिछली फसल में प्रयोग की गई खादों का फायदा मिलता है, मिट्टी का कटाव भी कम होता है और ज्यादा जुताई से निकलने वाली गैस से वातावरण दूषित भी कम होता है। दूसरा, धान के पुआल, अटिया या बिचाली का उपयोग आलू ढकने में किया जाता है, जिसके कारण पराली जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको तो पता ही है कि पराली जलाने से हमारा वातावरण कितना प्रदूषित होता है। एक और अच्छी बात ये है कि जीरो टिलेज से आलू की खेती में गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि इस विधि से आलू की खेती में शुरू से लेकर अंत तक का सारा काम महिलाएं खुद ही कर लेती हैं। जीरो टिलेज से आलू की खेती करना इतना आसान है कि बहुत सी महिलाएं अपने पास के खेत या घर के पीछे इसकी खेती करते हैं और इसके उपज का प्रयोग वो न केवल खाने के लिए कर रही हैं, बल्कि खाने के अलावा बचे हुए उपज को बेचकर वो अपनी खुद की जरूरत को भी पूरा कर रही हैं। अंत में हम आप सभी किसानों से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी किसान भी जीरो टिलेज से आलू की खेती कीजिए, क्योंकि इसमें लागत और मेहनत दोनों कम लगते हैं, जबकि मुनाफा ज्यादा होता है और ऊपर से हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारी मदद करता है। तो आप सभी किसान आज से ही तैयार हो जाइए इस जीरो टिलेज से खेती कर अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण को भी साफ रखने की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।